नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। लॉकडाउन चल रहा है और उदयपुर शहर में भी पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों पुलिस वालों के डंडे मारते हुए कई फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग धड़ाधड़ शेयर भी कर रहे हैं। डंडे चटकाते वीडियो पर जनता के मिले जुले कमेंट आ रहे हैं। कोई इन्हें सही बता रहा है तो कोई इनका विरोध भी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप सोच रहे हैं कि पुलिस इस लॉकडाउन में सिर्फ डंडे बजाने का काम ही कर रही है तो यह गलत है। अगर हम राजस्थान के उदयपुर जिले की ही बात करें तो यहाँ की पुलिस लोगों की सहायता के लिए भी उसी मुस्तैदी से लगी हुई है। एक सिपाही से लेकर जिला पुलिस अधीक्षक तक लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो लॉकडाउन में पुलिस के दो रूप सामने आ रहे हैं। कुछ वे पुलिसकर्मी हैं जो नाकाबंदी में तैनात हैं, वहीं दूसरे वे लोग जो खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। शहर और शहर से सटे 14 थानों के जाब्ते ने 9,500 लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। कुछ थानों का जाब्ता फोन पर भी एक्टिव है, जिन्होंने जरूरतमंदों को फोन नंबर दे रखे हैं। कोई दवाई तो कोई खाद्य सामग्री लाने के लिए फोन कर रहा है और पुलिसकर्मी पहुंचा भी रहे हैं। SSP कैलाश चंद्र विश्नोई ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान थानों की टीमें और जन सहयोग से अपने अपने थाना क्षेत्र में निराश्रित और बेघर व्यक्तियों को राहत सामग्री वितरण की जा रही है। शुक्रवार को सूरजपोल 500, भोपालपुरा 700, प्रतापनगर 1700, हिरण मंगरी 1600, सवीना 450, हाथीपोल 100, अम्बा माता 820, घंटागढ़ 265, धान मंडी 38, गोवर्धन विलास 1700, सुखेर 950, प्रसाद 300, टीडी 400 और कुराबड़ थाने के जाब्ते ने 20 लोगों को फूड पैकेट्स दिए। दूर रहिए बहन जी, लाइन में आइए, वापस आ जाइए, लाइन में जाइए, सभी लाइन में चलिए बहन जी। आप लाइन में खड़े रहें, मुंह पे मास्क लगा के रखें। सबको मास्क भी दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है। उस खाना खाने के बाद पैकेट को कहाँ डालेंगे? डस्टबिन में डालना है। अपने डिस्टेंस रखिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। बुजुर्ग आदमी हो आप, झूठ भाई जी, बटे हो जाओ। जन्नत लेना है वो अपना पाएगा, नहीं आप चलिए भाई जी, चलो अबे मन्ने भेज दो। ये वही पुलिस है जिसके पास जाने में अधिकतर लोग डरते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में ये पुलिस ही है जो एक तरफ आपकी सुरक्षा के लिए सख्ती कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को खाना और जरूरत का सामान तक पहुंचा रही है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं जिसमें पुलिस का एक अलग ही रूप इन दिनों देखने को मिल रहा है। अगर डॉक्टर आपकी जिंदगी बचाने के लिए लगे हुए हैं तो पुलिस भी आपको सुरक्षित रखने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। सीबीसी न्यूज की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीबीसी न्यूज आपको सही और सच्ची जानकारी देता है, खबरों में आपको आगे रखता है। आप हमें सब्सक्राइब करके फॉलो करके हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए आपको आगे रखने के लिए पूरे जोश के साथ जुड़े रहें। हमारा मिशन है आप तक सच और बिल्कुल सही जानकारी पहुंचाना।